हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रिया और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ओर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस नवरात्रि के व्रत से रिलेटेड कुछ रेसिपी लेकर आई हूं मैं, जिनमें मैं बहुत कम मसालों का यूज करने वाली हूं। वही मसाले जो हम नवरात्रि में खाते हैं, इनमें से आप जो मसाले नहीं खाते उन्हें अलग कर सकते हैं, जो खाते हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की रेसिपी। आज हम व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनाने जा रहे हैं, वो भी बहुत कम मसालों के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। व्रत वाले साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप साबूदाना लिया है। इसे अच्छे तरीके से धोकर 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर रख देना। उसके बाद छन्नी में से इसका सारा पानी छान लेना है। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1/4 कटोरी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूंगफली ले रखी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 मीडियम साइज के पोटैटो है जिन्हें मैंने उबाल कर ले रखा है। नींबू लगेगा हमें, आधे नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हमें यहाँ पर लगेगा काली मिर्च का पाउडर, अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको ना डालें। सेंधा नमक लगेगा, रॉक साल्ट, व्रत में सेंधा नमक यूज होता है। मैंने 1 छोटी काली मिर्च ली है, आप 1 छोटी हरी मिर्च ली है मैंने, अगर आप चाहें तो हरी मिर्च बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर 1 टीस्पून हमें जीरा लगेगा। साथ ही साथ मैं इसको पीनट ऑयल या मूंगफली के तेल में बना रही हूँ, तो 2 बड़े चम्मच मैंने तेल ले रखा है। आप घी में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और मैंने 1/2 इंच अदरक ले रखी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो मैंने कढ़ाई गैस पर रख दिया, उस पर मैंने ऑयल डाल दिया है। आप घी खाते हैं तो घी डालें। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ये मूंगफली डालेंगे और इनका हल्का कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि बीच बीच से ये खुल चुकी है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे जीरा, ग्रीन चिली, जिंजर। जैसे ये थोड़ा फ्राई हो जाएंगे हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैं यहाँ बहुत कम मसालों का यूज कर रही हूँ क्योंकि व्रत में बहुत कम मसाले यूज होते हैं। आप और कोई मसाला खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और साथ ही साथ ये व्रत वाला नमक जिससे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए टमाटर हमारे काफी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च और साथ ही साथ ये हमारे उबले हुए आलू, क्योंकि आलू मैंने उबले हुए यूज किए हैं इसलिए मैं इनको बाद में डाल रही हूँ। अगर आप कच्चे आलू यूज करते हैं तो उन्हें टमाटर के पहले हमें फ्राई करना होगा। बस 1 से 2 मिनट इसे पकाना है क्योंकि आलू पहले ही पके हुए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे साबूदाने। देखिए कितने अलग ये साबूदाने हैं, एकदम खिले खिले। साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया और इसे हमें कवर करके 3 से 4 मिनट पकाना है। अगर आपको खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी चाहिए तो भिगोए हुए साबूदाने को छानने के बाद 15 से 20 मिनट रख दीजिए, जिससे उसका सारा पानी निकल जाए, तभी वो खिले खिले बनेंगे। और मैं इसमें ये नींबू का रस भी डालूंगी। अब हम इसमें डालेंगे ये मूंगफली, इसे मिक्स करना और हमारी साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो हमारी व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने की खिचड़ी बनकर के बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने अनार के दानों के साथ गार्निशिंग की है इसकी, आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।